ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर सबकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। संकट की इस घड़ी में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यकता है हमें संयम और धैर्य से काम लेने की। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जल्दी ही लौटेंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहिए, अभी इम्तिहानों का दौर है। इसी उम्मीद का दामन थामे कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा, आइए आज ये संकल्प लें कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए कोविड की इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और इसे हरा कर दम लेंगे। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं या संक्रमण से बचना चाहते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। कोरोना से जुड़े तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए, साथ ही आपको जागरूक करने, आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज इस कार्यक्रम में हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। डॉ रूपाली की इस कोविड पैंडेमिक में पेशेंट ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉ रूपाली ने कोरोना के शुरुआती दिनों में चीन के वुहान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर रूपाली, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रूपाली मलिक से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, अपनी चर्चा की शुरुआत उन सवालों से करते हैं जिनका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। इस समय वैक्सीनेशन की दूसरी डोज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। फिलहाल कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो इस समय हमारी सरकार ने किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक जो कोविशील्ड है उसकी दोनों डोजेस के बीच में भी जो अंतर था वो 4 हफ्ते था कोवैक्सीन की तरह, और उसके बाद उसको बढ़ा के 6 से 8 हफ्ते किया गया और उसके बाद अब उसको और आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका कारण ये है कि यूके में कुछ कंट्रीज में इस तरह से देखा गया था कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन थोड़ा डिलेड ली है किसी कारण की वजह से, उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो बेहतर देखा गया था। इस बारे में हमने प्रोग्राम में पहले भी बात किया, तब भी मैंने बताया था कि कुछ कंट्रीज में यूएस में तो ऑलरेडी 8 to 12 वीक्स का अंतराल कर दिया गया है। हमारी कंट्री में पहले उसको 6 से 8 हफ्ते किया गया, बट अब बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको बढ़ा के वो 12 से 16 हफ्ते तक का कर दिया गया है। तो आई थिंक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हमें दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसका पालन करने की बहुत आवश्यकता है और उस पर भरोसा करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो निर्देश जो दिए जा रहे हैं इसका एक साइंटिफिक बेसिस है, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन की वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो ये गलत धारणा हम ना रखें और हम विश्वास रखें सरकार जो भी कर रही है हमारे हित के लिए कर रही है। तो ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है इस संकट के समय में। डॉक्टर रूपाली, आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिस तरीके से इसकी जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड हैं, क्योंकि जब से वैक्सीन की बात है बहुत सारी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं जिसमें लोग तरह तरह के जवाब देते हैं, तो इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट से ये पूछना कि क्यों इसकी आवश्यकता क्या थी। जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबली भी ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये केवल एक हमारी कंट्री में नहीं है, सभी देशों में ये चीज की जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसको किसी भी और गलत उससे आप ना जोड़ें, और जो भी दिशा निर्देश सरकार दे रही है उसका अच्छे से पालन करें। और डॉक्टर रूपाली, क्या कोवैक्सीन की डोज में भी बदलाव किए गए हैं? नहीं, देखिए सिद्धार्थ जी, अभी आज की तारीख में जो भी रिसर्च है, जो भी है, उसके हिसाब से कोवैक्सीन की जो दो डोजेज हैं उनको 4 हफ्ते के अंतराल पे ही दिया जाना है। हो सकता है, देखिए हम सभी जानते हैं कोविड एक नई चीज है, पिछले जबकि हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है इस लड़ाई को लड़ते हुए, बट फिर भी ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। हम अभी भी के लर्निंग ग्राफ में है, बहुत सी चीजें हैं जो हम समय के साथ ही सीख पाएंगे, और हो सकता है उसमें कुछ बदलाव समय के साथ होते रहें। बट जिस समय जो भी आपको एविडेंस अवेलेबल है, आप उसके अनुसार आप जो भी आप जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उस पर हमें भरोसा रखने की बहुत बहुत जरूरत है जी। और डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है और उसके बाद उन्हें कोविड हो गया है, तो वो अपनी अगली डोज कितने दिन बाद लगवा सकते हैं? और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, वो अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो कितने दिनों के बाद वैक्सीन की वो डोज ले सकते हैं पहली? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो आजकल हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर उसको वैक्सीन की डोजेस के बीच में कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपनी नेक्स्ट डोज कब ले। तो देखिए, इसका जवाब मैं बड़ी सिंपल उसमें बताना चाहती हूँ। अगर आपको माइल्ड डिजीज हुई है तो आप सिम्टम्स ठीक होने के 2 हफ्ते बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन्फेक्शन होने के बाद 4 से 8 हफ्ते के गैप के बाद आप ये वैक्सीन लें। ठीक है, तो 1 से 2 महीने के बाद, लगभग 4 से 8 हफ्ते, मतलब लगभग 1 से 2 महीने के अंतराल के बाद आप ये लें, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी आपको नेचुरल इन्फेक्शन से भी मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा गैप दे के आपको दोबारा से वैक्सीनेट करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज, जिन पेशेंट्स में सिवियर डिजीज होने के कारण उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या कोई प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उन व्यक्ति में हम कहते हैं कि आप 3 महीने तक का गैप दें, उसके बाद ही वैक्सीन लें, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज हैं उसकी वजह से आपकी जो वैक्सीन की इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो होता है उसकी क्षमता थोड़ी कम होने की उम्मीद होती है। तो हम चाहते हैं कि जब वो एंटीबॉडीज या वो प्लाज्मा का इफेक्ट कम हो जाए, वो बॉडी से निकल जाए, उसके बाद ही आप वैक्सीन लें। तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप 2 हफ्ते के बाद रिकवरी के आप वैक्सीन ले सकते हैं। ज्यादातर केसेस में हम बोलते हैं 4 से 8 हफ्ते के बाद, तो 4 से 8 हफ्ते यानी कि लगभग 1 से 2 महीने के बाद। बट अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा जैसी कोई भी दवाई ली है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप 3 महीने के बाद ही कोविड की वैक्सीन को लें। डॉक्टर रूपाली, पहली डोज हो या दूसरी डोज हो, दोनों के लिए इसमें जो टाइम कैलकुलेशन हम करेंगे वो कोविड से रिकवरी के बाद का होगा, हमारे 2 से 4 हफ्ते, या उस पीरियड को भी आप कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएबिलिटी है। कुछ लोग बोलते हैं जब से सिम्टम शुरू हुए हैं आप तब से काउंट कर सकते हैं, बट मैं कहूंगी अगर आप रिकवरी के बाद का काउंट करें तो दैट विल बी फेयर एनफ। तो आप जब ठीक हो जाता है, सिम्टम्स ठीक हो जाता है, उसके बाद भी आप 4 से 8 हफ्ते तक का गैप ले सकते हैं जी। और डॉक्टर रूपाली, हैदराबाद में आज पहली स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई गई है, और इसके साथ ही रूस में बने जो स्पुतनिक वी वैक्सीन की भारत में जो औपचारिक शुरुआत है वो हो गई है। और डॉक्टर रेड्डीज की आज प्रेस रिलीज भी आई है जिसमें कहा गया है कि उसे कल सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी कसौली से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन और जो मौजूदा कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनमें क्या मूलभूत अंतर है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो वैक्सीन की मेकिंग में जो डिफरेंस है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए, जनता के लिए, पॉपुलेशन के लिए एज अ होल जो जानकारी जरूरी है वो ये है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, ये वैक्सीन सेफ है। जो एफिकेसी की बात की जाए तो स्पुतनिक वैक्सीन लगभग 91% एफिकेसी के अराउंड इसमें हम दावा कर रहे हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं। और ये सबसे पहली, वर्ल्ड की सबसे पहली जो वैक्सीन जो बनाई गई थी वो रशिया द्वारा ये स्पुतनिक वैक्सीन ही बनाई गई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया है इस वैक्सीन को अपने देश में लाने का, तो हमें उसके लिए हमें बिल्कुल सपोर्टिव रहना चाहिए। और ये सभी वैक्सीन जो है ऑलरेडी सेफ है, इफेक्टिव है, सुरक्षित है, ये सब ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हमें उस चीज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। जो भी
आपको वैक्सीन अवेलेबल होती है, जब भी अवेलेबल होती है, एक ही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप उसको जरूर लें। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, आप उस चीज से ना घबराएं और आप अपने डॉक्टर्स पे और हेल्थ सिस्टम पे, सरकार पे भरोसा रखें और अपने जब भी मौका लगे उस समय आप वैक्सीन को जरूर लें। जी, और डॉक्टर रूपाली, भारत बायोटेक की 2 साल से 18 साल के बच्चों पर जो कोविड टीके कोवैक्सीन के सेकेंड और थर्ड फेज के जो क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएस में भी 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई है, तो बच्चों में जो वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं परिणाम? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक मैं कहूंगी एक लैंडमार्क है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी ट्रायल्स हुए थे सब 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग में हुए थे, तो हम लोग बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं दे रहे थे। बट एक ये बहुत अब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसका भी हम फेज 2 और फेज 3 ट्रायल करने जा रहे हैं 2 से 18 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा कि कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगली वेव में बच्चे ज्यादा हो सकता है अफेक्ट हों कोरोना वायरस से, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनको भी प्रोटेक्ट करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी एक पहल की गई है, और जैसा कि आपने भी कहा यूएस में ऑलरेडी फाइजर को 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी उनको अप्रूवल मिल गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है धीरे धीरे करके बाकी जगह पे भी ये अप्रूवल मिलेगा और हम अपने बच्चों को भी इस बीमारी के प्रकोप से बचा पाएंगे। देखिए वैक्सीन लगाने से एक चीज जो निश्चित तौर पर देखी गई है वो है कि आपको सीवियर डिजीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता आप वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी इन्फेक्ट हो जाएं, पर उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा उसकी सीवियरिटी निश्चित तौर पे थोड़ी कम होगी, तो ये जरूर है। जी, और डॉक्टर रूपाली, बात करते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं लेकिन उन्हें कमजोरी लगना, नींद आना जैसी शिकायतें आ रही हैं। पोस्ट कोविड के बाद हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है और किस तरह की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो कैसी होनी चाहिए? क्या अगर हम कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो अगर हमें डेली वॉक करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो हमें किस तरह से अपनी चीजों को करना है? जी बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो सबके मन में है कि क्या कोविड रिकवरी के बाद हमें कुछ कोई स्पेशल एक्सरसाइजेस करनी है या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं या कोई स्पेशल डाइट लेनी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए आपको कोई स्पेशल डाइट या स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। जो भी रूटीन एक्सरसाइजेस आप करते हैं या जो कर सकते हैं आप वो करें। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हैं वो और ज्यादा हेल्पफुल हैं। अनुलोम विलोम है जो आपका प्राणायाम है, योगा है, वॉक है, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डॉक्टरी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी कोविड रिकवरी बेटर होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बस निश्चित तौर से अगर आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करेंगे वो थोड़ा ज्यादा मददगार होगा आपके लंग्स के लिए, आपकी रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके अलावा खाने पीने में जो आप रूटीन हम जैसा रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, तला भुना कम लें, आप रेगुलर स्मॉल मील्स लें, छोटे थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना लें, रादर की आप एक समय पे ज्यादा खाना लें। तो यही सब बातें हैं, पानी खूब पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करें, नींद का बहुत जरूरी एक रोल है, तो रात को समय से सोएं, सुबह समय से उठें। तो ये सभी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम रूटीन में रिकमेंड करते हैं वही हम पोस्ट कोविड के पेशेंट को भी रिकमेंड करते हैं। जी, और डॉक्टर रूपाली, कोविड के बाद लोगों के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर चेस्ट कंजेशन है, हल्की या सूखी खांसी बनी रहती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कोविड से तो वो रिकवर हो चुके हैं, उनका करीब करीब ट्रीटमेंट भी बंद हो जाता है, लेकिन गले में खराश रहना, हल्की खांसी रहना, ये सब सिम्टम्स उनके अंदर बने रहते हैं, तो उन्हें क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं इसके लिए? हाँ जी, देखिए ये बड़ा ही कॉमनली देखा जाता है कि पोस्ट वायरल ये जो कफ है, जो सूखी खांसी है या जो थोड़ा खराश जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत बार ये थोड़ा लंबे समय तक के लिए रह जाता है। तो इसके लिए हमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आप गार्गल्स करते हैं वो करना है, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, लिक्विड चीजें लेते रहना है। उसके अलावा जो एक चीज आप कर सकते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयां आती हैं वो ले सकते हैं, थोड़ा उससे आपको सिट्रिजीन है या वॉन्टर
मोंटिलुकास वाले जो कॉम्बिनेशन आते हैं उस तरह की दवाइयां एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर से सलाह करके आप वो ले सकते हैं, उससे थोड़ा आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा। बहुत से लोगों को आजकल इनहेलर्स भी दिए जा रहे हैं, स्टीरॉयड कंटेनिंग इनहेलर्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसकी सलाह आप अपने डॉक्टर से लें। बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली ज्यादातर पेशेंट्स से देखा जा रहा है कि रिकवरी के बाद भी कुछ समय तक के लिए सूखी खांसी या गले में खराश परसिस्ट कर सकती है। इसके लिए घबराएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लेके आप इलाज लें तो ये रिकवर हो जाएगा। और डॉक्टर रूपाली, इसमें जिंक की बहुत चर्चा है पोस्ट कोविड रिकवरी में, तो जिंक सप्लीमेंट हमें कहां से मिल सकता है और कितनी बड़ी भूमिका है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए आजकल जिंकोविट की जो टैबलेट्स आती हैं या जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती हैं जिसमें की जिंक होता है नॉर्मल तौर पे भी, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि किसी स्पेसिफिक मिनरल को लेने से हम कोविड से रिकवर कर जाएंगे ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। बट फिर भी जैसा कहा जा रहा है कि विटामिन सी और जिंक मददगार है, तो जिंकोविट के नाम से हमारे पास ये जिंक की टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, और बाकी ज्यादातर मल्टीविटामिन टैबलेट्स में भी जिंक होता है। तो अगर आपको अलग से जिंक नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन जिसके अंदर जिंक मौजूद है आप वो ले सकते हैं। बाकी जो रूटीन हमने खाने पीने की बात है, जो रेगुलर आप अच्छी चीजें लें उसका अपना महत्व है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में जिंक या विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों तक कोविड 19 के बारे में जागरूकता, इससे बचाओ, सावधानी और जानकारी पहुंचाने में आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले एक साल से ज्यादा के समय में आपने लगातार लोगों तक सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोविड के अगेंस्ट की जो लड़ाई है ये केवल एक सरकार की या इंडिविजुअल व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये कम्युनिटी वॉर है, पीपल्स वॉर है। तो बहुत जरूरी है कि पूरे देश में, पूरी जनता में एक सही मैसेज पहुंचे, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैनिक ना फैले। तो उसके लिए जो रेडियो के माध्यम से, हम सभी जानते हैं कि जो रेडियो जहां तक पहुंच सकता है वहां तक शायद कोई और माध्यम नहीं पहुंच सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतने बड़े देश में, इतने डाइवर्स देश में भी कम से कम 98-99% लोगों तक आप लोग पहुंच सकते हैं। तो मैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है इस पूरे कोविड एरा में, इसके अगेंस्ट पूरा जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने, और सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाने के लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। जी डॉक्टर रूपाली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे श्रोता अब हमसे जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ, और आज के हमारे जो फर्स्ट कॉलर हैं वो शिवपुरी मध्य प्रदेश से यशवंत जैन जी अपने सवाल के साथ हैं। हेलो यशवंत जी, नमस्कार। हेलो यशवंत जी, नमस्कार। जी हाँ जी, मेरा ये कहना है जी, बताइए कि जो कोविशील्ड है जी उसको 6 से 8 सप्ताह के बीच में लगाना चाहिए जी, और हमारे शिवपुरी जिला न्यायालय पर के विधिक प्राधिकरण में जो शिविर लगा था जी उसमें 6 सप्ताह के पहले ही उनने 35 दिन में ही उसको दूसरा डोज लगा दिया, तो उससे कोई नुकसान या कुछ होगा, किसी तरह की परेशानी होगी? दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे शिवपुरी आकाशवाणी के दो, एक तो उद्घोषक और एक इंजीनियर जी, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, वो भी एक अच्छी सेवाएं देते हुए, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा ये कहना है कि जो अगर ऐसे कोविड के जो मरीज मरते हैं और उनको क्या 4 लाख रुपए देने का कोई प्रावधान है क्या, इसके बारे में भी जाना जी। सबसे पहले बात करते हैं रूपाली, इन्होंने जैसे कहा कि जो कोविशील्ड है इसकी डोज अगर कोई भी, या हम उसकी भी बात कर सकते हैं कोवैक्सीन की, अगर जो प्रिस्क्राइब गैप है उससे पहले अगर हम वैक्सीन दे देते तो क्या उसमें कोई नुकसान है? जी बिल्कुल, देखिए उससे कोई नुकसान नहीं है अगर आप पहले ले लेते हैं। देखिए जो सेकेंड डोज है वो एक बूस्टर का काम करती है, जो पहली डोज है वो आपके शरीर के अंदर जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, कुछ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, और दूसरी डोज लगने से वो उसमें एक बूस्टर का काम करती है।
अगर आप थोड़ा जल्दी ले लेंगे या थोड़ा लेट ले लेंगे उससे ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि पहले जो रिकमेंडेड डोजेस थी वो 4 वीक्स पे ही थी, जो पहले जो हमने गैप जो रिकमेंड किया गया था सरकार द्वारा वो पहले 4 हफ्ते ही था। अगर आपको 35 दिन पे भी लगी है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बिल्कुल। और रूपाली, इनका जो दूसरा सवाल था वो हम राज्य सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार ने व्यवस्था की है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रूपाली मलिक से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर पूछ सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं जम्मू का, जहां से दीपाली जसरोटिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। दीपाली जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी दीपाली जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरे जो दादाजी हैं जी, उनकी एज 85 ईयर्स है जी, और मतलब उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी है जी, बट वो डरते हैं क्योंकि उनको हर वैक्सीन से रिएक्शन हो जाता है। वैक्सीन से रिएक्शन हो जाता है? जी जी जी। तो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ है कि जिससे इनको मतलब कोई नुकसान तो नहीं है कुछ? और आप ये बता सकते हैं कि इसके पहले उन्होंने वैक्सीन कब ली है? जी रूपाली जी, अभी फोन तो कट गया है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुजुर्ग हैं, 85 साल की उम्र है, वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है, क्या कहेंगे आप, कितना सुरक्षित है इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये डर हम शुरू से हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई एलर्जी की हिस्ट्री भी रही है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन साइट पे जो भी आपके डॉक्टर मौजूद हैं आप उनको इन्फॉर्म करें, कि ज्यादातर जो सीवियर रिएक्शन जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो देखे जाते हैं वो शुरू के आधे से एक घंटे में देखे जाते हैं। इसीलिए ये वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा हम आपको वैक्सीन सेंटर पे रुकने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको पहले कभी इस तरह की कोई भी रिएक्शन की हिस्ट्री रही है तो आप वो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत देर के बाद उस तरह का एनाफिलैक्सिस होने की उम्मीद नहीं होती है। अगर उस तरह का कोई रिएक्शन होता है वो यूजली इनिशियल हाफ एन आवर में पेशेंट प्रेजेंट कर जाता है। और जैसा कि आपने पूछा, देखिए इस एज में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई वैक्सीन से एलर्जी रही होगी, जो वो कहना चाहते हैं सकता है उनको कुछ दवाइयों या बाकी इंजेक्शन से कुछ एलर्जी रही हो, तो उसका वैक्सीन की एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्पेसिफिकली एग प्रोटीन या इस तरह की चीजों से आपको एलर्जी रही है उसमें थोड़ा रिस्क होता, बट फिर भी अगर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और आपको ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसमें भी खतरे की कोई बात नहीं है जी। तो आप इस चीज से डरे नहीं, आप बस अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। और रुख करते हैं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का, जहां से प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर नमस्कार सर जी। प्रदीप जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको भी नमस्कार करना चाहूंगा। जी बिल्कुल नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, अब मैं लेके आ चुका हूँ लगभग 1 महीना हो गया जी, तो सर इसमें मेरा खाने का जो टेस्ट और जो स्मेल है वो आपस सब आएगी या नहीं आते हैं, इस विषय में जानकारी आना चाहता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि सर कमजोरियाँ की है कि इसके लिए क्या कुछ मेडिसिन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर रूपाली, हमने जो कमजोरी के बारे में आपसे पहले ही पूछा था, अब ये जानना चाहेंगे कि जो अक्सर कोविड में टेस्ट और स्मेल चला जाता है तो ये कितने दिनों के बाद वापस आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आती तो आपको दोबारा डॉक्टर से संपर्क करना है? जी देखिए, ये भी बड़ा ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है ये कब तक वापस आएगा। तो देखिए उसका कोई निश्चित आंसर नहीं है कि इतने समय में वापस आ जाएगा, तो थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, 3 से 6 महीने तक भी लग जाते हैं, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और उसके अलावा जो आपने कमजोरी की बात की है, उसके लिए आप अपना रेगुलर जो आप खाना पीना है उसको अच्छा रखें, पौष्टिक खाना लें, फ्रेश खाना लें, और साथ में कुछ मल्टी विटामिन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 1-2 महीने के लिए आप मल्टी विटामिन का सेवन कर सकते हैं जिसमें कि जिंक और बाकी चीजें भी मौजूद हों जी। और इसमें पोस्ट कोविड रिकवरी या इवन कोविड के दौरान भी जो लिक्विड है हमारे पास, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, कितना एक दिन में पानी पीना चाहिए, कितना लिक्विड लेना चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए हाइड्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। किसी भी वायरस या किसी भी इन्फेक्शन के दौरान, जैसा कि हम लेमैन में जो पेशेंट को समझाते हैं लेमैन लैंग्वेज में, तो बोलते हैं कि आप जितना पानी पियेंगे उतना आपके जो इन्फेक्शन है वो फ्लश होगा, एक तरह से वो फ्लश करेगा आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को। तो आप हमें ये समझना होगा, बाकी भी जितने भी हमारे ऑर्गन हैं सबके नॉर्मल काम करने के लिए पानी का होना, हाइड्रेशन मेंटेन होना एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो कम से कम 2 लीटर पानी का सेवन जरूर करें, और उसके अलावा अगर आप कहीं बहुत गर्मी वाली जगह पे हैं तो आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो पर कम से कम 1 से 2 लीटर पानी जरूर पिए। और अब रुक करते हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का, जहां से दुर्गा प्रसाद जी जुड़ गए हैं। जी दुर्गा जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। मैंने कल पहली डोज लिया जी जी कोवैक्सीन का जी। मेरे पैर में फाइलेरिया रहती है, उसकी दवा खाता हूँ और पेट दिमाग देख गड़बड़ रहता है। उस टाइम तो दोनों का मैं आयुर्वेद और होम्योपैथ खाता हूँ बस जी जी। तो कल मैंने वैक्सीन लिया है तो वो पनीर जो होम्योपैथ और आयुर्वेद दवा मैं खाता हूँ पेट और पैर के लिए, वो खाता रहूँ कि रोक दूँ कुछ दिन के लिए? जी डॉक्टर रूपाली, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं, वैक्सीन लेने के बाद क्या इन्हें जारी रखना चाहिए या कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा? जी आप बिल्कुल जारी रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मनाही नहीं है। ठीक है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो भी उसके साथ अगर आप बाकी जो भी दवाइयां चल रही हैं वो बिल्कुल लेते रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि रूपाली आपने लोगों की भूमिका या पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात की थी इसमें, खैर इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और हमारे लिसनर का ले लेते हैं। और रमा शंकर वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लाइन तो नहीं खोली जा। जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं जी रमा शंकर जी। मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है ना व्यायाम किया जाए, व्यायाम जी जी, तो व्यायामशालाएं क्यों नहीं खोली जाती है? जब कितनी व्यायामशाला, मधुशालाएं खोली गई, व्यायामशाला खोले नहीं जाए। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, व्यायाम के ऊपर तो देखिए बहुत सारे इस समय ओपन जिम्स खोले जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम आपसे ये बात कर रहे थे कि इसमें कितनी बड़ी लोगों की अपनी भूमिका है कोविड से लड़ने में। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं शुरू से, जैसा कि मैंने कहा इसको हम पीपल्स वॉर या कम्युनिटी वॉर जिसको बोलते हैं, तो इसमें ये पूरे देश की लड़ाई है, ये ना केवल सरकार की लड़ाई है, ना डॉक्टर्स की लड़ाई है, ना किसी इंडिविजुअल की लड़ाई है, ये पूरी कम्युनिटी की एक लड़ाई है। और ये हमें समझना होगा कि ये एक मौका मिला है हमें ये समझने का कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है हमारा हेल्थ सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी अपनी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कभी भी अपनी हेल्थ को लाइटली ना लें, किसी भी सिम्टम छोटा बड़ा उसको लाइटली ना लें। एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, रेगुलर टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, पानी पीना, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। स्ट्रेस को कम करना, तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। और अपना रोल निभाना, जैसे वैक्सीन की भी अगर बात करें तो वैक्सीनेशन केवल आप अपने लिए नहीं ले रहे हैं, आपको खुद तो फायदा होगा ही कि आप इन्फेक्शन से बचेंगे, और अगर नहीं भी बच पाते हैं तो भी सिवियरिटी ऑफ डिजीज आप में निश्चित तौर पे कम होगी। बट एक दूसरा रोल ये है कि अगर हम सब लोग एक साथ वैक्सीनेट होंगे तो ये जो कम्युनिटी लेवल पे जो ट्रांसमिशन इस समय हो रहा है हम उसको ब्रेक कर पाएंगे, तो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में भी हमारी मदद करेगा। तो बहुत बड़ा योगदान है लोगों का इस लड़ाई में कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो ना केवल कोरोना वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हर व्यक्ति जो इस समय घर में बंद बैठा है उसका भी उतना ही रोल है इस लड़ाई में। जी बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रूपाली, आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू, इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आप सबसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर आप आइसोलेशन में घर पर हैं तो अपना टेम्परेचर लेते रहिए, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट के साथ फ्रेश फूड्स का सेवन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।